मैं सबसे पहले आज आपको सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आस्थाओं का देश है और करोड़ों देवी देवताओं की हम लोग उपासना करते हैं। धर्म और अध्यात्म ये हमारे समाज की ताकत है, भारत की ताकत है। ऐसे ही अनेक ऐसे मानव जिन्होंने लोक कल्याण के उत्थान के काम किए और आगे चलकर वो लोक देवता कहलाए, उन्हीं में से एक गो रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले तेजाजी महाराज को आज दिग्दिगंत गूंजता है। बाबा रामदेव जी महाराज, गोगा जी, बाबू जी, धन्ना भगत, अनेकों ऐसे लोक देवता जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हम सब का गौरव है कि तेजाजी महाराज राजस्थान के जन जन के लोक कल्याण की आस्था के प्रतीक हैं। मित्रों, आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूं हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। हल्ला बोल शब्द आक्रामक लगता है, पर इसके पीछे पीड़ा भी दिखती है। आज हम लोग विवश हुए कि 20 महीनों की राजस्थान की मौजूदा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जादूगर की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, एक ऐसी पार्टी की अगुवाई वो कर रहे हैं जो 1885 में बनी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे महात्मा गांधी के नेतृत्व के बाद अनेक वर्षों तक एक विशेष पहचान बनाते हुए, लेकिन एक समय था जब कांग्रेस प्रासंगिकता होती चली गई। उन्हीं के हिस्से में आपातकाल है, उन्हीं के हिस्से में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग है, उन्हीं के हिस्से में अराजकता है, उन्हीं के हिस्से में भ्रष्टाचार है, और इसीलिए कहा जाता है कि इनके अधिकांश नेता या तो जेल में है या वेल पर है। दर्द होता होगा उनको ये सुनकर, लेकिन ताजुब की बात है कि दिल्ली में जिस तरीके का विग्रह खड़ा हुआ और लोगों ने गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष की कोशिश की पार्टी के भीतर, जो पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की बात करती थी, आज पूरी दुनिया ने उसकी सच को जाना है। राजस्थान में टुकड़ों में, गुटों में बटी हुई और टूटी हुई कांग्रेस पार्टी, देश में इसी तरीके से विग्रह के शिकार कांग्रेस पार्टी कैसे देश का और राजस्थान का भला कर पाएगी, ये आज का यक्ष प्रश्न है। लेकिन रीति नीति, विचार और व्यवहार से देश में नकार दी गई कांग्रेस पार्टी आज मात्र 3.5 प्रदेशों में सत्ता पर काबिज है, जिसमें राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। आपने पिछले दिनों देखा, शायद विश्व का ये रिकॉर्ड होगा कि कोई पार्टी, कोई सरकार कैसे बाड़े में बंद रह सकती है। 34 दिन में बाड़ेबंदी का ये रिकॉर्ड शायद विश्व रिकॉर्ड जादूगर के नाम ही रहेगा। लेकिन दशा क्या थी कि इस 34 दिनों में राजस्थान में कोरोना का प्रकोप था, और आज जब मैं आपसे रूबरू हूं, 76,000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले और 1,000 से ज्यादा मौतें, और उसमें भी मंत्री जी की सरकार की कलाकारी देखिए, 400 मौतों का रिकॉर्ड नहीं। तो कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, इसलिए मैं सबसे पहले जिनसे संवाद कर रहा हूं उनसे ये गुजारिश बेशक करूंगा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, संक्रमण कम नहीं हुआ है, चुनौती कम नहीं हुई है। इसलिए सरकार उपाय करे ना करे, लेकिन आम जन को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन कोरोना ने इस सरकार के प्रबंधन की पोल खोल दी। जिस तरीके से कुप्रबंधन हुआ, स्क्रीनिंग में, सैंपलिंग में, टेस्टिंग में, और लगातार अभी हम देख रहे हैं कि प्रदेश में वेंटिलेटर्स की और आईसीयू बेड्स की कमी लगातार होती जा रही है। अभी भी सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, लेकिन कोरोना के मामले में मुख्यमंत्री निवास भी अछूता नहीं, स्वास्थ्य विभाग का महकमा अछूता नहीं, स्वास्थ्य विभाग के महकमे के अधिकारी अछूते नहीं। इसलिए कैसे उम्मीद की जा सकती है
कि ये सरकार न्याय करेगी। और न्याय की जब बात आई तो मैं पिछली 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी का वो पंचलाइन सुन रहा था, अब होगा न्याय। लेकिन राजस्थान की जनता पूछती है 20 महीने हो गए, कब होगा न्याय? क्योंकि उन्हीं राहुल गांधी जी ने घोषणा करी थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन में किसानों का कर्जा तो माफ नहीं हुआ, और आज भी 22 लाख किसान किन्हीं किन्हीं बैंकों के उन कर्जे के जाल से मुक्त हुए नहीं है। इस प्रदेश में आप लोगों ने लगातार देखा और सुना होगा, चाहे साहूकार के कर्जे से, चाहे बैंकों के कर्जे से, चाहे तंगी से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे कोरोना से आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न उन व्यवस्थाओं से, परिवार के लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं। तो ये सरकार कब न्याय करेगी? मित्रों, आज खास तौर पर मुद्दे तो बहुत हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भाषण और बयानबाजों की पार्टी है, और एक और नया तरीका निकाला है इन सारे मुद्दों को ध्यान बटाने के लिए, जनता को ये मानते हुए कि हम उनको फुसला सकते हैं, क्योंकि फितरत ऐसी रही है किसानों की, वोट मैं इसलिए मिले उनको कर्जा माफी के नाम पे। इसलिए जब कोई ऐसा अवसर आता है तो या तो वो प्रधानमंत्री जी को तोहमत देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को तोहमत देते हैं, उनको दोषी मानते हैं। लेकिन ये तो जनता साफ देख रही है कि दुनिया के 44 देशों की आबादी के बराबर भारत देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का प्रबंधन हुआ, जिस देश में पीपी किट नहीं बनते थे, जिस देश में फेस मास्क की कमी होती थी, जिस देश में वेंटिलेटर्स की कमी थी, भारत आज ऐसी परिस्थितियों में भी इन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, बड़ी आबादी, बड़ी चुनौतियां उनके बावजूद भी आज एक किस्म से कोरोना वॉरियर बनकर उभरा है। मैं राजस्थान की बात कर रहा था मित्रों, बिजली इस समय बड़ा मुद्दा है, और इस बिजली के मुद्दे पर इस सरकार ने कहा था अपने जन घोषणा पत्र में पेज नंबर 17 पे, जन घोषणा पत्र की पृष्ठ संख्या 17 पे पैरा 1 पे, कि हम बिजली के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर कितना बनाया आप सब जानते हैं, किस तरीके से कटौती, अघोषित कटौती, और किस तरीके से लगातार उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे। लेकिन मित्रों, इस कोरोना के कालखंड में सबसे ज्यादा मार किसी को पड़ी है, तो राजस्थान के 1,40,00,000 के लगभग उन उपभोक्ताओं पर पड़ी है, जिसमें किसान भी शामिल है, जिसमें व्यापारी भी शामिल है, जिसमें दुकानदार भी शामिल है, घरेलू उपभोक्ता भी शामिल है। एक ऐसी मार जिससे उबर नहीं पा रहे, लेकिन सरकार अभी भी या तो आंकड़ों का खेल खेल रही है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि बिजली की दरें घटाना हमारे बस में नहीं। ताज्जुब होता है इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयानों से। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसी भी तरीके से इस मामले में आश्वस्त नहीं किया, क्योंकि सामान्य परिस्थितियां होती तो कंज्यूमर्स, उपभोक्ता अपने बिल जमा करा ही रहे थे। लेकिन कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने मांग की थी जनता की तरफ से कि आप 4 महीने के बिल्स को माफ कीजिए, एक तरफ। दूसरी तरफ किसानों को जो 833 रुपए का अनुदान मिलता वो बंद कर दिया। लेकिन उपभोक्ताओं पर जो मार पड़ी है, पिछले दिनों फरवरी में जो फिक्स चार्ज थे 1,13,00,000 उपभोक्ताओं पर 12% की बढ़ोतरी की और 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई, 1,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार ये घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ा था। हम लोगों ने मांग करी थी कि जो फिक्स चार्ज के 2.97 पैसे उनको माफ किया जाए, पर ये ठुकरा दिया। इसी तरीके से जो फ्यूल चार्ज पिछली बीजेपी की सरकार में 30 पैसे प्रति यूनिट था, अब वो 58 पैसे हो गया। और जिस तरीके से 31 जून तक जमा कराने के नाम पे, स्थाई चार्जेस को जमा कराने के नाम पे जो 2,000 से 5,000 का अतिरिक्त भार डाला, उसने उद्योग जगत की कमर तोड़ दी। पिछले 3 महीनों में सरकार ने एक तरीका और निकाला,
किसानों पे, उनके घरों पे अचानक वीसीआर के नाम पे छापे मारने शुरू किए और 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की इस तरीके की वीसीआर भरी गई और सेटलमेंट के नाम पे 25% कम करके उनसे लाखों रुपए वसूलने की कोशिश की। मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे जिस तरीके का ये वीसीआर भरने का खेल हुआ, शर्मनाक है। राजस्थान का किसान हैरान और परेशान है। मित्रों, इस सरकार ने बेरोजगार नौजवानों से भी वायदे किए थे। एक आकलन के मुताबिक राजस्थान में इन्होंने 2 बजट में लगातार कहा कि हम 1 लाख 1.5 लाख के करीब भर्तियां करेंगे, 1,16,000 भर्तियां हुई, मात्र 16,000। मुझे ध्यान है 25 ऐसी भर्तियां हैं जो छोटी से लेकर बड़ी तक, प्रशासनिक चपरासी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक, वो तमाम भर्तियां 25 भर्तियां लंबित हैं और उन 25 के बीच में भी 4,000 से भी मामले न्यायालय में विचाराधीन है। यानी वो जब तक न्यायालय में फैसला नहीं होगा तब तक बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खाएंगे। आशास्पद है 2,000 डॉक्टर्स की भर्ती हुई, उन भर्तियों को यकायक अचानक निरस्त कर दिया, करोड़ों रुपए उनके फीस के वसूले गए, 5,000 लोगों ने भर्ती में भाग लिया। एक तरफ तो कोविड की चुनौतियां थी और दूसरी तरफ एकदम से इस तरीके से भर्तियों का निरस्त होना कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को उजागर करता ही है। मित्रों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र इस सीमित समय में नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं कि जिस बात का मैंने जिक्र किया बिजली के मामले में, राजस्थान जो देश के सर्वाधिक जहां टैरिफ ज्यादा है उन प्रदेशों में पहले नंबर पर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनको भी सुपर सीड करते हुए जो टैरिफ है कमर्शियल 500 यूनिट से ज्यादा उसकी टैरिफ है 8.95 रुपया। इसी तरीके से घरेलू उपभोक्ताओं को जो टैरिफ है 500 यूनिट के कंजप्शन पे 7.95, 7.95 रुपए से ये रेजिडेंशियल है। ये देश के सर्वाधिक 10 प्रांतों की सर्वाधिक टैरिफ है। मैं जिक्र कर रहा था बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगारी भत्ते के लिए आपने घोषणा की, सरकार ने मोटे मोटे जो आकलन किया कि लगभग 24-25 लाख के आसपास ऐसे बेरोजगार हैं जिनको भत्ते की आवश्यकता है, उस मापदंड में आते हैं, लेकिन सरकार ने लगभग 1.5 लाख, और 1.5 भी नहीं जो मुझे बताया, 70,000 के करीब 3,500 रुपए की जो बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की वो कहा। मित्रों, ऐसा लगता है कि राजस्थान अब अपराधों की राजधानी हो गया है। जिस तरीके से अप्रैल में बेशक कुछ कम हुए लेकिन मई के बाद लगातार जुलाई तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल 1,07,072 गंभीर अपराध के मामले दर्ज हुए जुलाई तक, और जिसमें 60,000 मामलों में अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर हैं। 2,972 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, 947 मामले हत्या के दर्ज हुए, 559 लूट के मामले दर्ज हुए, और अफसोस होता है अनुसूचित जाति के बलात्कार के 3,988 मामले दर्ज हुए। इसी तरीके से जनजाति के खिलाफ 1,092 मामले दर्ज हुए, और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में बजरी माफियाओं का आतंक है, किस तरीके से पुलिस पर हमले हुए, और मुझे लगता है कि शायद राजस्थान सरकार की इजाद की गई पुलिस की पंचलाइन बदली, जिसमें ये कहा गया आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन ऐसा लगता है कि अपराधी बेखौफ हो गए और जनता में आतंक है, लेकिन सरकार अभी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस कालखंड में जिस तरीके से पंचायती राज एक बड़ी एजेंसी है जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास को गति मिलती है, रोजगार का सृजन होता है,
और लोगों में एक भरोसा पैदा होता है। पंचायती राज के 73वें संशोधन के पश्चात जो वित्त आयोग ने 20,000 करोड़ की राशि ग्रामीण विकास पर खर्च करने के लिए कहा वो अन्यत्र हस्तांतरित की है, और बहुत लंबे अरसे से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद होने से बहुत लोग परेशान हैं। सरकार यही नहीं रुकी, हम सब मानते हैं कि गौ माता हमारे सामाजिक जीवन का प्राण है, हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था का भी प्रतीक है, भारत की राजस्थान के समाज की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देती है। तो पिछले दिनों अनायास लगातार जिस तरीके से विधानसभा में धड़ाधड़ बिल लाए गए और उन बिल के पीछे जो मंशा थी वो बाद में पता लगी, क्योंकि सरकार राज्यपाल महोदय को तो आरोपित कर रही थी कि राज्यपाल महोदय सदन को आहूत करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, उसकी बहुत चर्चा व्यापक हो चुकी। लेकिन राज्यपाल महोदय को जो तर्क दिया गया कैबिनेट में, कहा कि हम लोग कोरोना पर चर्चा करेंगे, अफसोस हुआ कि 14 तारीख को केवल बहुमत साबित करके और सदन से भागने की कोशिश की, उसके बाद एक सीमित सी कोरोना की चर्चा की। लेकिन इस सरकार ने बिजली पे, किसानों के कर्जे पे, अपराधों पे, बेरोजगारी पे, टिड्डी के हमले पे कोई चर्चा नहीं की और सरकार सदन से भाग खड़ी हुई। पर सड़क से कैसे बचेगी? 33 में से 32 जिले अभी भी टिड्डी के आतंक से किसान मुक्त नहीं हुए, और जो फाका पैदा होगा वो एक चुनौती पैदा कर रहा है। लेकिन जो पीछे नुकसान हुआ राजस्थान के किसानों का, 90,000 हेक्टेयर में हमला हुआ और ऐसे 12 जिलों में तो साफ तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों का हुआ, उनकी गिरदावरी नहीं हुई, उसको किस तरीके से मुआवजा मिलेगा? लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार सदन से भाग सकती है, लेकिन जनता से कैसे भागेगी? इसलिए हमने ये आज आपके समक्ष हल्ला बोल का आगाज किया है। मैंने कोरोना की चुनौती में मानता हूं मर्यादाएं भी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को आग्रह करूंगा कि वर्चुअल तरीके से जितना आक्रमण किया जा सके, हल्ला बोला जा सके, बोलना चाहिए। और हमने सामान्य तौर पर कहा है कि फिजिकली भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस सरकार के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा करें, लोगों की आवाज बने। और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि सरकार 4 महीने से बिजली के उपभोक्ताओं के बिल माफ करे, फ्यूल चार्ज और स्थायी शुल्क को वापस ले, कटौती बंद करे, फर्जी VCR बंद करे, और किसानों की सब्सिडी को 33 रुपए की जो सब्सिडी थी उसको लागू करे। साथ ही साथ अभी 31 तारीख को हम लोग सभी जो हमारे DSS हैं, AN ऑफिस हैं, JN ऑफिस हैं, XN ऑफिस हैं, उस पर हम लोग धरना करेंगे। 2 तारीख को हम लोग SDM हेडक्वार्टर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और वहां अपना विरोध जाहिर करेंगे। और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और विधायक ये जिला कलेक्टर्स के माध्यम से प्रदेश में 20 महीनों से जो अराजकता पैदा हुई है, जिन मुद्दों का जिक्र किया, उन तमाम मुद्दों को लेकर, इसमें किसानों की, टिड्डियों के हमले की, बिजली की, स्कूल फीस की, पंचायती राज के पैसे के ट्रांसफर होने की, नौजवानों की, कोरोना के कुप्रबंधन की, स्वास्थ्य योजनाओं की जो बदहाली है, जैसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को सरकार ने बंद किया और महात्मा गांधी राजस्थान आयुष्मान भारत योजना, ये इतना लंबा टाइटल बदलने में महीनों लगाए, लेकिन आज भी आयुष्मान भारत का लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहा। खासतौर पर कोरोना के कालखंड में जो नॉन कोरोना पेशेंट थे उनको तकलीफ हुई, दूसरी तरफ जो निजी अस्पताल हैं वो सरकार से अपने पैसे की जो लाखों हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया है,
उसके जो सरकार ने उन्होंने जो सहूलियत दी थी वो पैसा भी बकाया है, लंबित है, इस वजह से वो अस्पताल उसको आगे चालू नहीं कर पा रहे, लेकिन लोगों को नीचे तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सब लोग जानते हैं कि पिछली सरकार के दौरान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से 30,000 से 3,00,000 तक का इलाज ऐसे लगभग 35,00,000 लोगों ने 2,800 करोड़ से निःशुल्क करवाया था। लोगों को उसकी आदत थी, सहूलियत थी, लेकिन अब इस तरीके के कोई प्रावधान नहीं होने से सरकार के कारण लोगों को जीवन भी संकट में है और उनके इलाज की व्यवस्था भी संकट में है। हास्यास्पद सी बात है कि ये राजस्थान की सरकार बाड़ेबंदी के लिए भी मशहूर है, कहने को जादूगरी के लिए मशहूर है, झूठ के लिए मशहूर है, लूट के लिए मशहूर है, लेकिन जिस तरीके से मामलों को लंबित करने के लिए मशहूर है, इसी क्रम में सरकार ने जो इस कालखंड के दौरान जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो सुचारू तरीके से शासन चलना चाहिए था, बात लोकतंत्र के सुशासन की करते हैं, लेकिन एक दूसरा चेहरा राजस्थान की जनता ने इस सरकार का देखा है। मैं ये मानता हूं कि चुनौतियां हैं संक्रमण की, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते जनता की मांग थी। हम लोगों ने जब अवसर मिला सदन में भी पुरजोर तरीके से ये मांग उठाने की कोशिश की। जोधपुर के किसान अभी आंदोलनरत है, सरकार उस आंदोलन को कुचलने की तैयारी में है, उन पर जरतियां कर रही है। हमारे अपने कार्यकर्ताओं पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और नीचे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर भी महामारी अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। मुझे लगता है कि सरकार एक बार फिर दमन पर उतरेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को निवेदन करूंगा कि मर्यादा में, अनुशासन में, कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए अपनी बात को मुखर तरीके से उठाएं। ये आगाज है, अंजाम नहीं है, लेकिन मैं भरोसा देता हूं कि हम सब लोग मिलकर राजस्थान की जनता को, क्योंकि हमारे बहुत बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, मुझे लगता है कि अपने हक के लिए ये लड़ाई की शुरुआत है। हम लोग निरंतर इसी तरीके से राजस्थान के हक के लिए, हितों के लिए लड़ेंगे। आप सब लोगों ने आज मुझे सुना और मैं समझता हूं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं, अपनी बात को अधिकांश लोगों तक, नीचे तक, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जो आपकी बात को मुखर तरीके से पहुंचाएगा। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।